बच्चों, मैं इज्जत बानू लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास इलेवेंथ के लिए मैंने आपको आरजू की गजल पढ़ाई थी। आज उसके आगे तीसरी गजल की तशरी बताने जा रही हूँ, तो शेर पढ़ती हूँ। चलिए देखिए। जो सामने अब तक आए नहीं, क्यों ध्यान में आए जाते हैं, आंखों से अभी तक ओझल हैं और जी में समाए जाते हैं। यहाँ पे शायर कह रहा है कि मैं इश्क के हकीकी में सरसार होकर, आरजू कहते हैं कि महबूब हकीकी को मैंने अब तक नहीं देखा, फिर भी उसकी याद हर वक्त मेरे दिल में समाई रहती है। वो आंखों से ओझल है लेकिन दिल हर वक्त उसके जलवाओं से मुनव्वर है, वो दिल की गहराइयों में मौजूद है। अगला शेर है, जीना है तो दुख भी है, रोना भी है, हंसना भी है, बीन एक ही होती है जिस पर सब राग बजाए जाते हैं। शेर कह रहा है यहाँ, अगर इंसान की जिंदगी है तो दुख सुख, हंसी और आंसू, गम और खुशी सब जिंदगी में हैं। यानी जिंदगी दुख सुख गम खुशी और हंसी और आंसू का संगम है। इंसान की जिंदगी धूप छांव की तरह है, जिस तरह बीन एक होती है लेकिन उस पर मुख्तलिफ राग बजाए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग राग बजाए जा सकते हैं, उसी तरह से ये जिंदगी भी है। ये हमने आपको दो शेर की तशरीह बता दी है, इसे आप पढ़ेंगे समझेंगे, जो समझ में नहीं आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। थैंक यू।